बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अदनान, आप देख रहे हैं अदनान रज़ा फूड सीक्रेट्स। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद थी। अब पूछे कि थी का क्या मतलब है? तो जनाब थी का मतलब ये है कि आज थी ईद, मतलब अभी शाम का टाइम है। तो ईद गुज़र चुकी है, मैं कोई व्लॉग, कोई वीडियो, कोई कुछ, कोई पोस्ट कुछ भी नहीं बना सका, कुछ भी नहीं कर सका, क्योंकि इतने काम थे मुझे और मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। इसलिए मैं सॉरी करता हूँ आप लोगों से। तो कल मैं हज थी इंशाल्लाह, वो मैंने आपके लिए व्लॉग बनाया। आज ईद थी, वो व्लॉग मैं बना तो नहीं सका, लेकिन अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है, शाम का टाइम है। तो एक बार फिर से सॉरी करता हूँ कि मैंने आज का व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन चलो फिर भी मैं इंशाल्लाह इस व्लॉग में आपको बहुत ज़्यादा इंजॉय कराऊंगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। वीडियो के साथ रहिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो माशाल्लाह आज का दिन जो था वो ईद कुर्बान का था, जो एक साल बाद आता है। माशाल्लाह बहुत इंजॉय हुआ, बहुत मज़ा आया। ईद की नमाज़ पढ़ी, आप सब ने भी पढ़ी होगी इंशाल्लाह। तो और मज़े की बात यह है कि आज ईद वाले दिन अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहुत प्यारा हो गया था। सुबह के टाइम इतनी बारिश हुई थी, इतनी बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, हर तरफ पानी ही पानी हो गया था। वैसे व्लॉग बनाता कौन है? चूहा? नहीं ना, इंसान बनाता है ना, तो मैं इंसान हूँ इसलिए बना रहा हूँ व्लॉग। चूहा होता को तो मतलब चूहे कभी व्लॉग नहीं बनाते। तो शाम का टाइम बहुत हो चुका है, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। अपने दोस्तों भाइयों के लिए व्लॉग जो था वो मैं लेट हो चुका हूँ। तो ये देखें जी नज़ारा, शाम का टाइम है, सूरज जो है बिल्कुल ग़ुरूब हो चुका है। सूरज बिल्कुल ग़ुरूब, अंधेरा होने को है इंशाल्लाह, चंद ही मतलब मिनटों बाद अंधेरा हो जाएगा। यार क्या कहते हैं, हमारी बैठक में ना कुछ लोग आते हैं और गुलूकारी स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारी ही बैठक क्यों मिलती है उनको, बल्कि गुलूकारी शुरू तो नहीं करते, लेकिन यहाँ पे मुकम्मल सेटअप पड़ा हुआ है ना हमारे पास म्यूज़िक का। तो हम क्योंकि म्यूज़िक भी बनाते हैं, तो इसलिए म्यूज़िक का सारा सामान पड़ा हुआ है, इसलिए काफ़ी लोग आते हैं। मैं थोड़ा सा पास जाके ना आपको थोड़ी सी उनकी आवाज़ वगैरह सुनाता हूँ, अगर आपको सुनाई दे तो। बंद हो गया म्यूज़िक करना, चलो खैर उनको छोड़ो। लेकिन जो मेरी एक चीज़ है वो मैं आपको आज दिखाता हूँ, जो मुझे बहुत प्यारी है, बहुत कमाल की चीज़ है। आइए देखते हैं वो चीज़ कौन सी है। ये है जी मेरी मोटरसाइकिल, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, और ये फरारी की तरह मेरी मोटरसाइकिल चलती है। माशाल्लाह बहुत कमाल की मेरी मोटरसाइकिल है। मैं जब भी गया हूँ, जहाँ भी गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इसी पे गया हूँ। बड़ी कमाल की चीज़ है ये। किसी काम के लिए हॉस्पिटल आना था, तो मैं हॉस्पिटल आया हुआ था, जिसकी वजह से मुझे मेरा काम नहीं हुआ। मैंने जिस आदमी से मिलना था ना, वो मुझे यहाँ पे नहीं मिला। टूटी हुई सीढ़ी है, बहुत डर लगता है कि कहीं ये टूट ना जाए। ये देखें रस्से बंधे हुए हैं कि ये टूट ना जाए। यहाँ पे चढ़ना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। अगर सीढ़ी ठीक होती ना फिर तो कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन घर के काम के लिए चढ़ूँगा, थोड़ा है तो मुश्किल, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। कैमरे को मैं रखता हूँ यहाँ, वीडियो मेरी ठीक नहीं आ रही, यहाँ अब ठीक आ रही है। तो
तो अब मैं चढ़ूंगा ऊपर। अब मैं आ गया हूँ छत पे, तो अब मैं छत पे, माशाल्लाह इतनी प्यारी हवा, ठंडी हवा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। दिल कर रहा है मैं नीचे जाऊँ ही ना, क्योंकि ये है वॉशरूम की छत जहाँ पे मैं बैठा हूँ। और अगर मैं आपको इसके नीचे दिखाऊँ तो ये देखिए जी, ये आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि मैं कितना ऊपर बैठा हूँ, बहुत ज़्यादा ऊपर बैठा हूँ। तो अब मैंने जो मेन काम करना है वो आप देख रहे हैं, ये विंडो पड़ी है, ये दो विंडो हैं, इन दोनों को मैंने उठा के ऊपर देना है। पहले हमारा आइडिया बना था कि हम इन दोनों को नीचे ले जाएं, नीचे से फिर सीढ़ियों की मदद से हम ऊपर ले जाएं, लेकिन वो ज़्यादा देर का काम था इसलिए हमने फ्लॉप कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो मुझे जो है वो ये अच्छा लगा है, तो अब हम ये जो है वो अप्लाई करने लगे हैं। वैसे वैसे इतने मेहनती काम करता कौन है, गिद्धड़ नहीं ना, इंसान करता है ना, तो मैं कर रहा हूँ। वैसे जितना मैंने सोचा था ना कि इतनी वज़नी होगी विंडो, लेकिन इतनी वज़नी नहीं थी मुश्किल से भी, लेकिन जैसे तैसे मैंने उठा ली है। ये देखें इस तरह की विंडो थी, एक ही उठानी थी। पहले मेरा इरादा था कि दोनों विंडो उठानी है, लेकिन अब हमने एक उठाई है। लेकिन अब जो हमने विंडो छत पे रखी है, अब वो छत पे जाके उससे भी ऊपर वाली छत पे हमने लेके जानी है। तो आइए चलते हैं उधर। तो अब मैं दूसरी छत पे आ गया हूँ जहाँ पे पानी की वायरिंग का काम हो रहा था। अब ये जो विंडो पड़ी है ना वो सामने, अब हमने इसको उठा के ये ऊपर वाले वॉशरूम के ऊपर रखनी है। अब ये मुझे पता नहीं है कि ये क्यों रख रहे हैं, लेकिन पता नहीं किसी काम की वजह से रख रहे होंगे। तो अब हम इसको लेके जाते हैं ऊपर। नीचे जनाब लाइट चली गई थी, तो मुनाहिल फातिमा और मैं छत पर आ गए हैं रोज़ की तरह, जैसे रोज़ आ जाते हैं आज भी हम छत पर आ जाएँ। तो यहाँ पर हवा है, प्यारा माहौल है, इतनी गर्मी नहीं है जितनी के नीचे है, तो इसलिए हम ना मुनाहिल फातिमा, मुनाहिल क्या कर रही हो ऊपर छत पे आके, कैसा महसूस कर रही हो छत पे आके, अच्छा महसूस कर रही हो, जैसे कि ये खुशी हो रही है ना, मुझे लगता है बहुत अच्छा महसूस कर रही है, जितना कि अच्छा मैं महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा, क्या हुआ, वहां पे वो जो काम कर रहा, एक भाई जो है वो नीचे गया है और एक काम हो रहा है, और हम लाइट भी आ गई है लेकिन हम नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। नहीं अच्छा मुनाहिल बताओ, तुम चीज़ लोगी कि नहीं, तुम्हें मैं चीज़ लेके दूँ कि नहीं, इधर बताओ मेरी बात सुनो, चीज़ लोगी कि नहीं, चीज़ लेनी है कि नहीं, नहीं लेनी, ऐसे कैसे नहीं लेनी, तो आज का ब्लॉग करते हैं इधर। बहुत शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, तो अब मैं ब्लॉग कुछ दिन के लिए नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँगा, कहीं जाऊँगा वहाँ पे मैं ब्लॉग नहीं बना सकूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।